तो मैं ये हिस्सा को पक्का समझू? अरे गले तो मिलिए समधन जी, बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई बधाई। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पता मैंने सोचा ही नहीं कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। नहीं एक्चुअली तुम बता सकते हो, अभी फोन करो और उसे बताओ। मेरी पिंक पैंथर कितनी स्मार्ट हो गई है। गुड आइडिया। आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू एंड लव यू। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? वो अच्छा जी, अब इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें फोन पे तो नहीं बताऊंगा, मिलोगी तो बताऊंगा। कब मिल रहे हम? तो ठीक है, जल्दी से काम खत्म करके वहां पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, आई लव यू, बाय। आई नीड टू गो देयर, बाय बाय, सी यू। वो अंगूठी तुम्हारे और ईशा के प्यार की निशानी है ना? तो देखना ईशा, सबसे पहले मैं तुमसे वो अंगूठी छीनूंगी। मैं क्या करती तन में, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो गिरीश को वो सब कुछ बता देती जो 10 साल पहले उस रात को वहां पर हुआ था। अब जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा, और समर्थ और ईशा की शादी तुम्हें रोक के रहूंगा। जो भी सामान है पैसा जेवर सब निकल। अंगूठे निकल। शर्ट खराब कर डाला। आपने हमें बचाया, उसके लिए थैंक यू। अपन इधर से जा रहा था तो आपकी आवाज सुनाई दी, तो अपन लग बाई चांस इधर आ गया था। बहुत बड़ा दिन है आज अपन का, आज अपन आरजे पलक से मिलने जा रहा। आरजे बोले थे रेडियो जॉकी पलक, जिसकी तुमने जान बचाई ना, जो तुम्हारे सामने खड़ी है यही है आरजे पलक। यूं खड़े खड़े शर्माते रहोगे या कैमरा दोगे? आरजे पलक के साथ फोटो नहीं खिंचवाना अपनी इस हेयर स्टाइल के साथ? अरे इतना दूर दूर खड़े रहोगे तो दो दो फोटो लेनी पड़ेंगी, थोड़ा पास में आओ। अच्छी बात, पर सही टाइम पे आ गया। मेरे लिए तो ये श्रवण गलत समय पर आया, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने। तुम्हें समर्थ से अलग करके ही रहूंगी ईशा।